सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, वेलकम आप सब लोगों का फ्री फायर के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। सो गाइज, फाइनली आप लोग गेम के अंदर देखे होंगे, यहाँ पर से आपको न्यूज सेक्शन में एक न्यू चीज़ देखने को मिल गया हो, जहाँ पर लिखा हुआ सर्वर मेंटेस डी सर्वाइवर। तो यहाँ पर से आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर से 18 फरवरी को यहाँ पर से आपको 6 घंटा 30 मिनट आपका जो गेम है नहीं चलेगा। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर बताया गया। तो सबको पता है कि यहाँ पर जो हम लोग का सर्वर मेंटेनेंस स्टार्ट होता है, तो वो हम लोग का लगभग 9 बजे स्टार्ट होता है, शाम को 4:30 तक में यहाँ पर से हम लोग का जो है ये चीज़ ख़त्म होता है। बट यहाँ पर से बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर से 6 घंटे चलेगा। तो 6 घंटे अगर मान लिया जाए, तो यहाँ पर से 2 यानी कि 3 3 बजे तक यहाँ से चलेगा, 3 साढ़े 3 यानी कि 4 बजे तक आपको जो गेम यहाँ पर से कल बंद रहेगा यहाँ पर से। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर नहीं देखते। तो यहाँ से आप देखो ब्रेक फॉर मेंटेनेंस, तो यहाँ पर सर्वर मेंटेनेंस किया जाएगा, सर्वर में अपडेट किया जाएगा। जैसे आप बोल सकते हो OB20 का अपडेट यहाँ पर से हम लोग गेम के अंदर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हम लोग सर्वर जो है मेंटेनेंस यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएगा, और कल आप यहाँ पर से गेम प्ले नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि बताया गया था 25-26 तारीख को यहाँ पर से आपको सर्वर मेंटेन देखने के लिए मिलेगा, बट फाइनली यहाँ पर से आपको 18 फरवरी को यहाँ से आपको सर्वर मेंटेनेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई अचानक कैसे आ गया, क्योंकि इसमें जो डेट दिया गया था वो कुछ अलग था। तो सर्वर मेंटेनेंस यहाँ पर 18 फरवरी को बताया गया है, हो सकता है लेट भी हो सकता है भाई, क्योंकि आप लोग देखे थे कि पिछले बार जो हम लोग का बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ 10 तारीख को आप अपडेट देखने मिलेगा, बट 10 तारीख को अपडेट नहीं मिला, इसको बढ़ा दिया गया। तो इसी हिसाब से यहाँ पर से बढ़ाया जा सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं, इसमें मैं जो इवेंट है आ चुका है, फिर बैनर जो है दिखाने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर सबको सियोरली जो कल आपका सर्वर ब्रेक रहेगा, और यहाँ पर सब गेम प्ले नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर सब हो गया हम लोग की इसकी बात। एंड गाइस, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ऐसे न्यू इवेंट की, अपकमिंग इवेंट की। तो यहाँ पर सबको पता है कि हम लोग का पोर्ट जो इवेंट होता है, यानी कि पेन वाला जो इवेंट होता है, वो हम लोग का हर बार देखने को मिलता है। यानी कि 3-4 इवेंट ऐसा जो हर मंथ आपको देखने को मिलता है। सिंपली अगर इस डायमंड की जो मैंने अभी जो यहाँ पर चल रहा है हम लोग यहाँ पर ये वाला इवेंट, ये इवेंट हर महीने आता है। दूसरा सुपर मार्केट लगभग हर महीने आता है। तीसरा जो पोर्ट वाला इवेंट है वो हम लोग का मतलब जो मतलब कुकिंग वाला होता है ना भी, वो वाला इवेंट लगभग हर मंथ आता है। और सुपर मार्केट भी लगभग हम लोग का लगभग देखने के लिए मिल जाती है। तो फाइनली हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे कि आपको यहाँ पर जो देखने के लिए मिलेगी वो कैसा मिलेगा। लेकिन उससे पहले बता दें, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन जो आएगा उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं हेल्प कुक जो इसका इवेंट का नाम होता है, वो हम लोग का हेल्प कुक होता है। तो मैं इस पर यहाँ पर से अदर सर्वर का वीडियो यूज़ करता हूँ, यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का दिख रहा है, जो एक सऊदी अरब का वीडियो है, यहाँ सब देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर से हर बार जो हम लोग दे रहे थे इसमें कुछ से कुछ कुछ से कुछ आइटम दे रहा था, बट यहाँ पर से आप देख पा रहे फिलहाल जो यहाँ पर से मैजिक क्यूब इसमें ऐड कर दिया, साथ ही साथ यहाँ पर से मैजिक क्यूब का जो फ्रैगमेंट है वो भी यहाँ पर से आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो 2 बंडल तो आपको रेयर जो है वो 2 बंडल तो मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर मैजिक क्यूब एंड मैजिक क्यूब का फ्रैगमेंट भी ऐड कर दिया गया। बट इससे पहले जब भी आता था इवेंट यहाँ पर से, तो मैजिक क्यूब का फ्रैगमेंट या फिर मैजिक क्यूब आपको देखने के लिए नहीं मिला था, बट फाइनली यहाँ पर से मैजिक क्यूब ऐड कर दिया गया। तो इसका प्लेट का जो होता है वर्जन 3 प्लेट टाइप होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, उसके बाद यहाँ पर से डायमंड होता है। तो यहाँ पर से अगर आपको डायमंड पे आता है, तो यहाँ पर सबको जो रेयर आइटम होता है वो आपको निकलने के चांसेस बनता है, और यहाँ पर सबको रेयर आइटम देखने के लिए मिल जाएगी। तो फाइनली ये थी यहाँ पर से ये अपडेट, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर से डायमंड स्पिन करो स्पिन करो, यहाँ पर से जो है मैजिक क्यूब निकालो मैजिक क्यूब निकालो। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो भाई, क्योंकि यहाँ पर से आपको ये वाला इवेंट आपको गेम के अंदर बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट जो है हेल्थ कुक आ गया, हेल्थ कुक, तो यहाँ पर सबको यहाँ पर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो पिछले बार भी हम लोग ये चीज़ यहाँ पर से आया था हेल्थ कुक, तो उसमें मैंने डायमंड डायमंड थोड़ा बहुत उड़ाया था, बट मेरे को रेयर आइटम नहीं मिला था, और उसमें मेरा जो डायमंड ट्रस्ट ज़्यादा ही चला गया था। तो फाइनली यहाँ पर सब देख पा रहे कुछ आपको इतना सारा रिवार्ड जहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। और ऐसा नहीं कि सिंपल यहाँ पर से मैजिक क्यूब दिया है, फिर मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट दिया तो मिलेगा नहीं। तो आप देख ही चुके स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि यहाँ पर आपको मैजिक क्यूब भी निकलता है, और मैजिक को जो फ्रैगमेंट होता है वो भी आपको यहाँ पर से देखने के लिए मिल जाती है। एंड गाइस, अब हम लोग बात करते हैं ऐसे नेक्स्ट अपडेट की, और तो नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, जहाँ से आपको डायमंड यूज़ करके आपको गोल्ड लेना पड़े। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गोल्ड से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम लोग को वो रियल गोल्ड होगा क्या होगा पता नहीं, बट हो सकता है कि रियल गोल्ड होगा, क्योंकि एक न्यू अकाउंट होती है इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ डायमंड है और इसमें गोल्ड नहीं है। तो हो सकता है आपको गोल्ड में ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिल सकता है। और साथ से जो लैम्बोर्गिनी की जो न्यू स्किन है आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो गोल्ड में देखने के लिए मिल रहा है, साथ से जो मैजिक को बंडल था वो भी, और ऊपर में MP40 का जो स्किन है वो भी आपको यहाँ पर से गोल्ड में देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आपको 30 डायमंड भी स्पिन करना होता है, सब देख पा रहे 30 डायमंड यहाँ पर से मैंने स्पिन करा, और यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं क्या 10 कॉइन्स आपको मिला, यानी कि आपको यहाँ पर से डायमंड स्पिन करना पड़ेगी। तो यहाँ पर से आपको डायमंड स्पिन करना पड़ेगा, और आपको वो गोल्ड में दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर से आप गोल्ड से इसे ले सकते हैं। तो एक साथ हो सकता है आपको बहुत ही अच्छा खासा इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको गोल्ड से एक्सचेंज करने मिलेगा। तो यहाँ से आपको पहले अपना डायमंड उड़ाना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर से गोल्ड से देखने के लिए मिल जाएगी। तो फाइनली ये थी आज की अपडेट्स और आज की न्यूज़, सुन सके मैं आप लोगों के साथ आज इस बात को शेयर कर दूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना सी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।